सच साहस सरोकार। नमस्कार प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं देश प्रदेश की उन शख्सियत से जिनकी सफलता की कहानी आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी जुड़ेंगे, जो कि अपनी सफलता की कहानी बताएंगे, अभी तक के अपने सफर के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि डीके ठाकुर जी एक ऐसी साफ छवि के अधिकारी हैं जो कि जनता की परेशानियों को तो सुनते ही हैं, साथ ही एक सरल स्वभाव भी रखते हैं। अभी तक के कार्यकाल में उन्होंने बहुत ही कम वक्त में कई बड़े खुलासे किए हैं। आखिर उनको इस चीज की मोटिवेशन कहां से आई, कैसे उन्होंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया, कैसे उन्होंने जनता की सुविधा के और साथ ही साथ उनकी हित के बारे में सोचा और कैसे वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, आज हम इन्हीं सभी सवालों के बारे में उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो कैसा रहा है, आपकी फैमिली में कौन कौन सिविल सर्विसेज में रहा है, साथ ही साथ आपकी एजुकेशन कैसी रही है? मेरे परिवार में मेरे चाचा आईएएस थे और मेरी जो एजुकेशन बैकग्राउंड रही है, मैं पहले गाँव के स्कूल में पढ़ा था और गाँव के स्कूल में पढ़ने के बाद मैं गुरुकुल में पढ़ा था और गुरुकुल में वेद संस्कृत वगैरह का अध्ययन किया था। उसके बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया था, उसके बाद जैसे इधर सिविल सर्विस में आया। संस्कृत, आपने संस्कृत से पढ़ाई करी है वो भी गुरुकुल से, तो गुरुकुल से सीधा आप सिविल सर्विसेज की तरफ आए, तो ये सफ़र कैसे आपने तय किया, कैसे आपके माइंड में आया कि आपको सिविल सर्विसेज करनी है, आपको जनता की सेवा करनी है? और ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें आपकी माता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है? आप सही कह रहे हैं, जब मैं संस्कृत की और गुरुकुल में अध्ययन कर रहा था, उसके बाद उसकी एमए की पढ़ाई कर रहा था, तो माता जी अपने परिवार में जो अपने लोगों से चर्चा किया करती थी मेरी पढ़ाई के बारे में, और माता जी को ये अभिमान था कि मेरा बेटा अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तो उन्हें किसी परिवार किसी जन ने ये सजेशन दिया कि यदि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो आप उसे क्यों नहीं कहते सिविल सर्विस करें, सिविल सर्विस क्यों नहीं क्लियर करना चाहता है? तो माता जी ने इसको एक ध्येय बना लिया और माता जी मुझे प्रेरणा दी कि आप सिविल सर्विस तैयारी करो, सिविल सर्विस जितने अटैम्प्ट उसको ट्राई करो, और होता है ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपका सिविल सर्विस सिलेक्शन होता है नहीं होता है, कि मेरी जरूरी इच्छा है कि आप सिविल सर्विस जितने अटेम्प्ट आपको मिल रहे हैं उनको जरूर एग्जॉस्ट करो। तो उनकी प्रेरणा सिविल सर्विस आने की, आईपीएस आने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका रही उसकी, मैं तो ये मानता हूँ। तो माता जी की इच्छा को पूरी करने के लिए आपने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया, लेकिन आप क्या बनना चाहते थे? अब देखिए, कोई एक इच्छा पहले से नहीं थी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ज़रूर जब मेरे मन में था कि मैं अच्छे से टीचर बनूं, अच्छा प्रोफेसर बनूं, लेकिन जब माता जी ने आगे बढ़ाया मामला, तो माता जी की इच्छा से फिर जब मैं सिविल सर्विस तरफ ध्यान आ गया। तो आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और आपने कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर किया, आप एक प्रेरणा स्रोत है काफ़ी लोगों के लिए, तो ये भी जानना चाहेंगे कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, किस तरह से पढ़ाई करते थे सिविल सर्विस? कुल मिलाकर मेरे सिविल सर्विस 3 अटेम्प्ट मैंने दिए, और पहले अटैम्प्ट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, दूसरे अटैम्प्ट मेरा पहले डैनिप्स में सिलेक्शन हुआ था, डैनिप्स के बाद मेरा वो अपने आप अपग्रेड होकर इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस हो गया था, और तीसरे बार के अटैम्प्ट में मेरा आईपीएस सिलेक्शन हुआ। जहाँ तक पढ़ाई के घंटों का सवाल है, पढ़ाई घंटा कोई नियम नहीं है, एक स्पष्ट नहीं है, और ये संभव नहीं कि लगातार आप यदि आज आपने 10 घंटे पढ़ लिए तो कल भी 10 घंटे पढ़ेंगे, कम वो बेसी होता रहता है। लेकिन मेरा ये ध्येय था, मेरा लक्ष्य था कि जब मैं पढ़ाई करूँ एक निरंतरता बनी रहे। कई बार होता है कि आप जब परीक्षा नज़दीक आती है तो आप काफ़ी पढ़ाई करने लगते हैं, 17 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करने लगते हैं, और परीक्षा का जब टाइम नहीं रहता है तो आप कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मेरी एक पॉलिसी उस समय भी रही थी, आज सर्विस में रहती है, कि एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, और कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। आप जो काम आपके सर पर है, चाहे पढ़ाई हो चाहे वर्क हो, आप लगातार करते रहें, लगातार अच्छे तरह से करते रहें, उसको बाद के लिए नहीं छोड़ें। आज जो काम करना हो, आज जो पढ़ाई करनी हो, जैसे मैं पुलिस सर्विस में ही होता, जो मुझे लगता है मेरे टेबल पर आज जो मेरी फाइल हो आज ही क्लियर हो जाए, आज ही किसी केस को क्लियर करना हो, डिस्कस करना हो अपने अफसर के साथ, आज ही कर रहा हूँ, उसको कल के लिए ना छोड़ो। तो इसी पॉलिसी को मैंने अपने पढ़ाई में भी अपनाया था, इसी पॉलिसी को मैंने कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अपनाया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विस के 2 बार सिलेक्शन के अलावा मेरा MP में भी डिप्टी कलेक्टर सिलेक्शन हुआ था MPPCS में, उसके अलावा MP में असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं भी सिलेक्शन हुआ था मेरा कमीशन के माध्यम से ही। तो मेरा सिलेक्शन लगातार होता रहा, और सिलेक्शन के पीछे मैं ही मानता हूँ कि जो मेरी कंटिन्यूटी वाली, स्टेबिलिटी वाली जो मेरी पॉलिसी थी वो जरूर काम आई।
जी, जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो उसमें जब इंटरव्यू राउंड होता है तो उसमें बहुत कठिन सवाल पूछे जाते हैं, वो स्टूडेंट्स को हमेशा लाइफ टाइम याद रहते हैं। तो आपसे जब इंटरव्यू हो रहा था तो उस टाइम पे कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको आज तक याद हो? देखिए, मैं पहले इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने कुल मिलाकर के 5 पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू मैंने फेस किए, 5। 2 बार तो मैंने UPSC के सिलेक्शन का मैंने इंटरव्यू फेस किया, जो दोनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने बताया पहली बार डायनेमिक्स में हुआ था, जो अपग्रेड होकर इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस हो गया, और फाइनली IPS हुआ। इसके पहले बिहार PCS का भी मैंने इंटरव्यू फेस किया था, और MP में 2 बार PCS, 1 बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 1 बार डिप्टी कलेक्टर के लिए मैंने इंटरव्यू फेस किया था। इंटरव्यू जो पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी इंटरव्यू होते हैं, जब तक आप इंटरव्यू के स्टेज पहुँचते हैं तब तक आपके बारे में कमीशन के जितने मेंबर्स हैं, जो इंटरव्यूअर हैं, उनको आपके बारे में आइडिया लग चुका होता है कि आपके पढ़ाई का, आपके नॉलेज का एक लेवल ऐसा है जिसके बाद क्लियर करके ही आप वहाँ आए हैं। तो इंटरव्यू आपके नॉलेज की एग्ज़ाम नहीं लेता है। इंटरव्यू इसलिए इसको अब हम लोग इंटरव्यू ना करके एक पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है नाम। जो भी UPSC के या स्टेट के पब्लिक सर्विसन के इंटरव्यू होते हैं उनका नाम अब आ गया है पर्सनैलिटी टेस्ट, या इसको हिंदी में व्यक्तित्व परीक्षण भी कहते हैं। तो वो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट करना चाहते हैं, आपको ये टेस्ट करना चाहते हैं कि भविष्य में आप एज ए ऑफिसर, एज एन IAS ऑफिसर, एज ए कलेक्टर या एज ए पुलिस ऑफिसर, एज SP कैसे बिहेव करेंगे, कैसे अपने आप को कंडक्ट करेंगे, कैसे क्राइसिस में अपने को हैंडल करेंगे। तो आपके सामने वो ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं जिससे कि आपके बारे में इस तरह पता चल पाए कि आपकी क्राइसिस में आपको अपने को हैंडल करने की क्या क्षमता है। तो मेरे भी इंटरव्यू में कई सवाल ऐसे आए थे, कोई ऐसे स्पेसिफिक सवाल तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ऐसे सवाल, कई सवाल उन्होंने पूछे थे जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी भविष्य के UPSC के कैंडिडेट्स हैं उनको यही बताना चाहूँगा, यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ईमानदारी बरतें इंटरव्यू में, इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट में। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको सवाल सही नहीं मालूम हो, तो आप ईमानदारी से मना कर दें, बता दें सर इसका सवाल में नहीं आता। आप इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स को ब्लफ करने की कोशिश ना करें, आप हमेशा मान चलें कि आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, आपसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, इसलिए वो वहाँ बैठे हैं, आप दूसरी तरफ बैठे हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिनके कि दोनों आंसर हो सकते हैं, इधर भी आंसर हो सकते हैं, उधर भी आंसर हो सकते हैं, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो ऐसे में जो भी आप जवाब दें तो उन जवाब को जस्टिफाई करने का आपके पास लॉजिक रहना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए अभी यूक्रेन में वार हो रहा है, यूक्रेन पर रसायन आक्रमण किया है, आपसे पूछा जा सकता है यूक्रेन पर रसायन आक्रमण किया जस्टिफाइड है या नहीं। आप दोनों सवाल जवाब दे सकते हैं कि आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, रसायन जो आक्रमण किया है जस्टिफाइड है, और आप ये भी कह सकते हैं जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन आप जो भी जवाब दे रहे हैं उसके पीछे आपके लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, वो कोजेंट होने चाहिए, जस्टिफाइड होने चाहिए, वो बताना चाहिए आपको, ये ख्याल रखना चाहिए आपको इंटरव्यू से। जी, कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थिति भी आई होंगी, क्योंकि आप लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं, तो दो समुदायों के जब त्यौहार एक ही दिन एक ही समय पड़ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ, तो ऐसे में आप कैसे निर्णय लेते हैं? क्योंकि आपने UPSC क्लियर किया है, कठिन समय को, उसकी चुनौतियों को समझने का आपको पूरा ज्ञान मिल चुका है पहले ही, लेकिन जब आप फील्ड पे उतरते हैं तो वो परिस्थितियाँ अलग होती हैं, तो उस समय आपके निर्णय कैसे रहते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी पुलिस कमिश्नर करीब 21 महीने से हूँ लखनऊ में, और इससे पहले 2010 से 2012 के बीच में 17 महीने DIG और SSP आ रहा था। तो लखनऊ में ऐसे कई मौके आते हैं जबकि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के त्यौहार साथ साथ पड़ते हैं। रात 12 बजे से हमारे जो मुख्य मंदिर हैं उसमें खासकर आप देखेंगे मनकामेश्वर मंदिर है, पारा बुद्धेश्वर महामंदिर है, महादेव मंदिर है, वहाँ पर भक्तों का आना जाना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ जब मुहर्रम होता है, मुहर्रम में मुस्लिम के दो समुदायों शिया और सुन्नी के बीच जैसो विवाद रहता है, संघर्ष रहता है, उसको भी हम लोग नज़र रखते हैं। लेकिन मैंने लखनऊ की एक खास बात देखी है, लखनऊ में इतना दिन रह चुका हूँ, लखनऊ में जो जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, वो गंगा जमुनी तहजीब यहाँ है, कायम है, और यदि लोगों को भरोसा रहे आप पर, लोगों का पुलिस प्रशासन भरोसा रहे, ये भरोसा रहे कि हमारी बात सुनी जाएगी, ये भरोसा रहे कि हमारे साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, ये भरोसा रहे कि हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ये भरोसा रहेगा कि मेरे साथ कोई अन्याय हो, हिंसा हो, अपराध हो, तो उसमें अपराधी को जरूर सजा मिलेगी, तो आपका साथ देते हैं। होता है क्या है कि आम जनता के साथ कोई दिक्कत आ रही हो तो सबसे पहले अपने पुलिस प्रशासन के पास आते हैं, अपनी बात कहते हैं। यदि पुलिस प्रशासन उस समस्या का समाधान कर देता है तो कोई बदमाशी नहीं करते हैं, कोई हिंसा नहीं करते हैं। कि यदि कहीं से उसको ये आभास हो जाता है, कहीं से उसको ये विश्वास हो जाता है कि प्रशासन इस बात पर कोई एक्शन नहीं लेगा, या प्रशासन इस बात पर एक पक्षी एक्शन लेगा, या प्रशासन इस बात पर किसी दूसरे पक्ष के
पक्ष में एक्शन लेगा, हमारे पक्ष में नहीं लेगा, तब वो कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। मानव है, समुदाय है, लोग हैं, हम मानते हैं इसमें ज़्यादातर लोग शांतिप्रिय हैं, तो शांतिप्रिय को अपनी बात समझाएं। जो अशांतिप्रिय हैं, जो बदमाशी करने वाले हैं, उनके मन में डर हो, खौफ हो कि हम गलत करेंगे तो पुलिस हमारे खिलाफ जैसे गंभीर कार्रवाई करेगी, सख्त कार्रवाई करेगी, तो कहीं भी अशांति का माहौल नहीं बनता। ऐसा माना जाता है कि कमिश्नरेट सिस्टम आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बदला है, तो आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई क्योंकि ये सिस्टम पहले नहीं था? आप सही कह रहे हैं, और इस डिफरेंस को मैं ज़्यादा महसूस इसलिए कर पा रहा हूँ, मैंने दोनों सिस्टम में काम किया है और लखनऊ में ही काम किया है। जैसे मैंने बताया कि लखनऊ में DIG SSP था, तो मैं DM के साथ मिलकर काम करता था लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर, और आज जब मैं कमिश्नर हूँ तो सारे लॉ एंड ऑर्डर फैसले मुझे खुद लेने पड़ते हैं। तो ये एक जिम्मेवारी हम लोग की मिली, एक जब हमें पावर्स मिला है, पूरे लॉ एंड ऑर्डर सारे पावर्स, सारे मजिस्ट्रेट पावर्स हमें मिल गए हैं, DM के ADM के SDM के सारे पावर्स हमारे अधिकारियों के पास आ गए हैं, तो इस पावर्स के साथ हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आम जनता की अपेक्षा बढ़ गई है, सरकार की अपेक्षा बढ़ गई है, हमारे सीनियर अफसर्स की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। वो अपेक्षाएं ये हैं कि यदि आप अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन में विफल होते हैं तो उंगली सीधे आप पर उठेगी। अभी कोई गलती होती थी, कोई विफलता होती थी, तो आपके साथ जिला प्रशासन DM SDM ADM भी उसको शोल्डर करने के लिए, वहन करने के लिए सामने रहते थे, लेकिन अभी आपको सिंगुलरली आपको एक्शन लेना है। तो हम लोग काफ़ी चौकस होकर के, काफ़ी सतर्क होकर के, काफ़ी एहतियात तो एहतियाती तौर पे सारे कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 20-21 महीनों में बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स आए लखनऊ में, लेकिन हाँ लखनऊ हम लोगों ने ये निश्चित सुनिश्चित किया कि कहीं भी पुलिस के द्वारा बल प्रयोग की नौबत ना आए, कहीं भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की नौबत ना आए। लखनऊ में ये एक आम विजुअल से रहता था, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम रहती थी, कोई भी धरना आंदोलन प्रदर्शन होता था कि पुलिस को संभाल नहीं पाई, आंदोलनकारी जैसे उग्र हो गए और पुलिस वालों में लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस से गोले छोड़ने पड़े या पानी की बौछारें करनी पड़ी। कि हम लोगों ने पिछले 21 महीनों में ये कोशिश की है कभी ऐसी नौबत ना आए। उसके लिए हम लोग पहले से प्लानिंग करते हैं, अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कहाँ क्या कार्यक्रम होना है, कैसे कार्यक्रम होना है। फिर हम लोग जो सामने आंदोलनकारी होते हैं उनके पास अपनी बातें पहुँचाते हैं कि आप, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक माहौल है, लोकतंत्र है, आपकी बातों का स्वागत है, आप अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रखिए, हिंसक तरीके से ना रखें, हम आपसे अपेक्षा ही करते हैं, जब तक आप ये काम करेंगे हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जब इसका उल्लंघन करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ ये नीति काफ़ी सफल रही है और हम लोग कमिश्नरेट सिस्टम में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बखूबी तरीके से मेंटेन करने में सफल रहे हैं। जी, लखनऊ की जनता आप पे काफ़ी भरोसा जताती है, आपको काफ़ी प्यार देती है, फरियादी आपके पास आते हैं, आप उनकी फरियाद सुनते हैं, शुरू से ही आपका ये नियम रहा है कि आप लोगों की बात सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते अपने काम को भी, लोग आते हैं अपनी परेशानी लेके, कार्यवाही का आप आदेश भी देते हैं? मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो हमारा महानगर ऑफिस है, जो पुलिस ऑफिस हमारा कहलाता है, जहाँ मेंटेन है, तो हर एक वर्किंग डे में जो माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है हम जनता की समस्याएँ सुने। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जब से कार्यभार संभाला 2017 से, उनका जनता दर्शन पर काफ़ी ज़्यादा जोर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जब लखनऊ में रहते हैं तो प्रातःकाल सारी जनताओं की समस्याओं को सुनते हैं, और उन्होंने जितनी मीटिंग्स की है, जितने निर्देश दिए हैं, जितनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, उसमें उन्होंने हमेशा ये निर्देश दिया है कि आम जनता की समस्याओं को जो भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, वो सुने। तो उसी के पालन करते हुए मैं स्वयं महानगर ऑफिस में बैठता हूँ और मैं प्रातः 10 बजे से लेकर 2 बजे तक वहाँ उपस्थित रहता हूँ वर्किंग डे में, और मैं कोशिश करता हूँ जो भी जनता है उनकी समस्या सुनी जाए। मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि जनता को बार बार नहीं आना पड़े, यदि कोई एक बार आया है उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं इसको फिर गंभीरता से देखता हूँ, इसको बार दोबारा क्यों आना पड़ा। देखिए जनता कुल मिला के दो एक बात से आती है, यदि उनके साथ कोई घटना घटित हुई है तो मुकदमा लिखा जाने लायक है तो मुकदमा लिख जाए, नहीं तो और कोई समस्या का समाधान हो जाए, और कोई मुकदमा लिख गया है तो सही तफ्तीश हो जाए, चार्जशीट लग जाए और लोग जेल चले जाएँ और न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। तो मैं दोनों यही कोशिश करता हूँ कि आम जनता की सुनवाई हो जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, और फिर जो उन्होंने मुकदमे लिखाए हैं उनका समय से निस्तारण हो जाए। जी, अभी तक के कार्यकाल में आपने कई केसेस देखे हैं और उनका बहुत कम समय में निवारण भी कर दिया है, बहुत सफलताएं आपको मिली हैं, लेकिन अगर आपके अभी तक के कार्यकाल में सबसे कठिन केस पूछा जाए तो वो कौन सा रहेगा? इससे पहले 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि चौक क्षेत्र से ही हम लोगों ने 1 क्विंटल चांदी बरामदगी की थी, जिससे चौक क्षेत्र के सारे सराफा व्यापारी काफ़ी खुश हुए थे, उन्होंने पुलिस की काफ़ी सराहना की, पुलिस को सम्मानित भी किया उन्होंने। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि अमीनाबाद क्षेत्र से जैसे एक काफ़ी भारी मात्रा में 5-6 करोड़ की ज्वेलरी लेके चली गई थी। वैसे मैं इस बार महसूस कर रहा हूँ कि अब लखनऊ में वायलेंट क्राइम, ये हीनियस क्राइम्स काफ़ी कम हो गए हैं। अब जो क्राइम लखनऊ क्राइम बचे हैं वो इस तरह का बचे हैं, या तो यहाँ व्हीकल थेफ्ट होता ज़्यादा हो जाती है, व्हीकल थेफ्ट हो रही है, कुछ चेन स्नैचिंग घटनाएँ हो जाती हैं, कुछ नकबजनी वर्गलरी घटनाएँ होती हैं,
प्रॉपर्टी ऑफेंस भी हैं, इक्का दुक्का कभी मर्डर घटनाएँ होती हैं, बड़ी घटनाएँ सनसनीखेज नहीं रह गई हैं। साइबर क्राइम जरूर बढ़ा है इधर, साइबर क्राइम इसलिए बढ़ा है कि देखिए हम लोग धीरे धीरे इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो इंटरनेट यूज़ के कारण जो है सो साइबर क्राइम दोनों तरह के हो रहे हैं। एक साइबर क्राइम आपको फाइनेंशियल हो रहे हैं, आपके बैंक से आपके पैसे निकल जाते हैं, या आप कहीं ख़रीदारी करने जाते हैं पेटीएम वगैरह का यूज़ करते हैं, गूगल पे वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें फ्रॉड हो जा रहा है। और दूसरा साइबर क्राइम हो रहा है जो आपके पर्सनलिटी पर्सनल आईडी को थेप्ट करके उनका आपको फेसबुक दूसरा बना लिया जाता है, इस तरह के क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। और मैं मानता हूँ इस तरह क्राइम बढ़ते रहेंगे, दो कारण बढ़ते रहेंगे, जो कि एक तो हमारा इंटरनेट यूज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आज डेट में बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो मजदूर हो सरकारी कर्मचारी हो प्राइवेट कर्मचारी सारे लोग पर्सनल अपना सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें सोशल मीडिया यूज़ करते समय ध्यान रखने की ज़रूरत है उसके क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, अपने पर्सनल जैसे फ़ोटो शेयर ना करें, अपने अपने प्रोफाइल को लॉक करके रखें, तमाम चीज़ें हम लोग बार बार बताते रहते हैं। अभी भी हम कुछ दिन पहले हमारे अफसर से उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में बताया था। इसके साथ साथ हमें ज़रूरी है कि जो पुलिस के लोग हैं पुलिस के ऑफिसर हैं जो साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ट्रेन करें, तो वो हम लोग काम कर रहे हैं। अदरवाइज लखनऊ में अब इस तरह की गंभीर अपराध की स्थिति अब नहीं रह गई है। आपकी फर्स्ट पोस्टिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा? और एक और सवाल इसी के साथ कि जब आपने यूपीएससी क्लियर कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने संस्कृत से पढ़ाई करी है, तो उसकी आपको यूपीएससी में कितनी मदद मिली? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एज अंडर ट्रेनिंग गोरखपुर में रही थी, काफ़ी चैलेंजिंग रही थी, और ये 96 का ईयर था, वहाँ पर काफ़ी संगीन घटनाएँ हुई थी। मुझे भी याद है कि मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग करते उस दौरान ही वहाँ लोकसभा चुनाव हो रहा था 96 में, और लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी थे कमलेश पासवान, उनकी चुनाव के प्रचार के दौरान बम मार हत्या कर दी गई थी। इससे बड़ी सनसनी की घटना क्या हो सकती है? ऐसी घटना आपने यूपी में कई सालों से नहीं सुनी होगी, ऐसा नहीं हुआ। उसी समय भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो काफ़ी सीखने को मिला था मुझे। उसके बाद मेरी रेगुलर पोस्टिंग 97 में इलाहाबाद हो गई थी। दूसरा सवाल आपने पूछा था इससे मिलता जुलता हुआ, यूपीएससी में संस्कृत लिया था मैंने। जो फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ आईपीएस में, उसमें संस्कृत का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा था, उसमें मेरा जो संस्कृत और हिस्ट्री था दोनों बराबर नंबर से आए थे। मेरा आईपीएस में होने के पीछे वजह जीएस के पेपर रहा। हाँ, उससे पहली बार जो उससे ठीक लास्ट बार जब मेरा डैनिप्स में और इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में हुआ था, तो संस्कृत में अच्छे नंबर आए थे जी। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? क्योंकि हर बार फैमिली को तो इंसान श्रेय देता है, लेकिन कौन से ऐसे अधिकारी रहे हैं जिनके साथ रह के आपने सबसे ज़्यादा परिस्थितियों से जूझना, उनसे बाहर निकलना, अच्छे निर्णय लेना सीखा है? मेरी ट्रेनिंग के दौरान जो मेरे SSP रहे थे, ट्रेनिंग के दौरान रेगुलर एसपी, मेरी ट्रेनिंग के दौरान मेरे SSP थे राजदीप सिंह साहब, उनसे मैंने काफ़ी सीखा। और बाद में जब रेगुलर ASP रहा था इलाहाबाद में, तो मेरे दो SSP रहे थे सुभेश कुमार सिंह साहब, रजनीकांत मिश्रा साहब, ये सारे लोग अब रिटायर हो चुके हैं, इनसे मैंने काफ़ी सीखा। और बाद के समय में भी बहुत सारे मेरे अफसर रहे, सीखने का समय अभी मैं बहुत अफसरों सीखता रहता हूँ। सीखने तो कहा जाता है कि आप जीवन के अंतिम समय सीखते रहते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जो आपके पास ज्ञान है वो इतना ही ज्ञान है जैसे एक समुद्र है, समुद्र के किनारे हैं, हाथ में आपने अंजलि में जल लिया उतना ज्ञान है आपका, और ज्ञान पूरे संसार में उतना फैला हुआ जितना समुद्र में पानी है। जी, रातों रात आपको पुलिस कमिश्नर बनाया गया, आपको कैसा महसूस हुआ और उस वक्त की क्या परिस्थितियाँ थी लखनऊ की? लखनऊ की परिस्थिति ठीक थी, लखनऊ कमिश्नरेट बने हुए 10 महीने का टाइम हुआ, लखनऊ पुलिस कमिश्नर बने हुए 10 महीने का समय बीता था, और 10 महीने बीत चुका था। मेरे बैचमेट यहाँ से कमिश्नर थे सुजीत पांडे साहब थे, उसके बाद मुझे मरने का मौका मिला था। माननीय मुख्यमंत्री ने सरकार ने मेरे अधिकारियों ने मेरे विश्वास जताया था, मुझे ये मौका दिया था, और मैं समझता हूँ कि उनके विश्वास पर अभी तक खरा उतरा हूँ। 21वां महीना मेरा चल रहा पुलिस कमिश्नर ग्रुप में, और मैं कोशिश यही करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री की जो भी अपेक्षाएं हैं, मेरे अधिकारियों की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूं। कई बार पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसी खबरें सामने आती हैं कि भ्रष्टाचार की खबरें हो जाती हैं, या फिर जनता की सुनवाई नहीं होती है, लापरवाही करते रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि पुलिस की छवि भी खराब होती है? और आप एकदम सही कह रहे हैं कि हमारे विभाग कुछ लोग ऐसे हैं कि भ्रष्ट हैं, हमारे विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका व्यवहार आम जनता के प्रति सही नहीं है, तो ऐसे जितने भी संज्ञान प्रकरण हमारे संज्ञान में आते हैं उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं। लखनऊ में भी आपने देखा होगा 3-4 ऐसे केसेस हुए थे, हमारा जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उन लोगों ने ट्रैप किया था, हम लोग ट्रैप करते हैं, ट्रैप तब करते हैं जबकि रंगे हाथों आप किसी घुस लेते पकड़े हैं, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं, तत्काल उनको सस्पेंशन करते हैं, विभागीय कार्रवाई करते हैं। इसी के अलावा कभी जो जनता के साथ दुर्व्यवहार के भी
या दुराचरण के भी हमारे सामने उदाहरण आते हैं, संज्ञान आते हैं, केस आते हैं, उनमें हम लोग गंभीर कार्रवाई करते हैं, हम लोग मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। कोशिश यही है कि जीरो टॉलरेंस हो, कोशिश यही है कि कोई एक केस ना हो, लेकिन उसके लिए हमें सतत प्रयास करना होगा और वो हम लोग कर रहे हैं। पुलिस की भी कई परेशानियां होती है, जनता की परेशानियां तो आप सुनते भी हैं, पुलिस की भी परेशानियां सुनते हैं, तो इससे जुड़ा हुआ कोई किस्सा कि कई बार ऐसा होता है कि जो अधिकारी होते हैं वो अपनी दिक्कतें नहीं कह पाते लेकिन जनता की सेवा में लगे रहते हैं। ये देखिए पुलिस की मैंने कोई एक किस्सा मैं नहीं सुनाना चाहूँगा कि पुलिस की जो हमारे लोअर पुलिस का ऑफिसर जो कांस्टेबुलरी है जो कि पूरे पुलिस विभाग में करीब 80% हैं, उनकी तमाम जायज़ समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या उनकी होती है कि उनकी पोस्टिंग की, एक कांस्टेबल जो रहता है, एक कांस्टेबल जो आप पता नहीं आप जानते हैं जानते हैं, एक कांस्टेबल अपने साथ 3 इस्टेब्लिशमेंट मेंटेन करता है, एक तो खुद जहाँ वो पोस्टेड रहता है, एक जहाँ उनकी बीवी उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। हमारी जो 80% कांस्टेबलिटी है उसमें मैक्सिमम जो 95% लोग हैं वो रूरल बैकग्राउंड से मतलब रखते हैं, वो यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं, उनका भाई जैसे गाँव में रहता है, पिताजी गाँव में रहते हैं, लेकिन जब वो उनका सोशल स्टेटस बढ़ता है तो उस समय आप कांस्टेबल बनाओ लेकिन मेरे बच्चे कुछ अच्छा करके अच्छा पढ़ें, तो वो कोशिश करता है कि अपने परिवार को कहीं शहर में सेटल करता है, वहाँ सेटल करता है जहाँ उसकी पोस्टिंग रहती है, बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल पढ़ पाएँ, अच्छा बन पाए। कभी कभी ये संभव नहीं होता है कि जहाँ उसकी बीवी बच्चे पढ़ रहे हो वहीं उसकी पोस्टिंग हो, तो दूसरी उसकी सेटलमेंट हो जाती है, बीवी बच्चे के लिए घर लेकर अलग रखता है, अपनी पोस्टिंग कहीं रहता है, उसका तीसरा सेटलमेंट रहता है जो गाँव में उसके माँ बाप जहाँ रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उनको देखना, तो उसके मन में हमेशा चलता रहा तीनों सेटलमेंट को देखना। उसके लिए हमेशा सोचता है कि हमारी पोस्टिंग कम से कम ऐसी जगह हो जहाँ से हम इन दोनों सेटलमेंट को नज़दीक से नहीं देख सकें। तो हमारे कांस्टेबलरी के लिए आज सबसे बड़ी समस्या है कि उनको पोस्टिंग सही जगह मिले जी। तो क्या आप इनके लिए कोई कदम उठा रहे हैं? देखिए मैं अपने यही कोशिश करता हूँ, जब हमारे पास कोई कांस्टेबल आता है, हमारे जैसे 45 थाने हैं, तो हमारे 45 थाने से हमारे कोई कांस्टेबल आता है कि साहब हमें वहाँ पोस्टिंग मिल जाए जिससे हमारा घर नज़दीक पड़ जाए, और मुझे लगता है उसमें कोई आपत्तिजनक और कोई बात नहीं, मैं उसको पोस्टिंग करता हूँ वहीं पर। तो आज की कांस्टेबल की सबसे बड़ी समस्या पोस्टिंग की। दूसरी समस्या आती है छुट्टी की। आप जानते हैं कि पुलिस विभाग 24/7 काम करता है, हम अपने अधिकारियों कर्मचारियों से अपेक्षा करते हैं उनको 24/7 काम करें, लेकिन उनकी जैसे मैंने कहा उनकी 3 सेटलमेंट है, कल बीवी कहीं है, बच्चे कहीं है, सब खबर आ गई बीमार है, कौन देखने जाएगा, गाँव से खबर आ गया पिताजी बीमार है, गाँव से खबर आ गया कि शादी की तैयारी करनी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो छुट्टी ड्यू है समय से मिल जाए, नंबर दो। तीसरी उसकी समस्या होती है कि उनको रहने की व्यवस्था और समय से और क्वालिटी खाना मिल जाए, तो हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश पूरी सफल नहीं हो पाए हैं। अभी भी हम लोग सारे कांस्टेबल को 100% एकोमोडेशन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। नियम यह है कि 50% कांस्टेबल को हम लोग एकोमोडेशन देंगे, घर देंगे, रिमेनिंग 50% बैरक में रहेंगे, थाने के बैरक में रहेंगे, तो वो हम लोग कोशिश करते हैं। थाने बैरक में समय से खाना मिल जाता है, हमारा मेस रहता है, कभी कभी उनकी ड्यूटी का आवर्स ऐसे ऑड रहते हैं कि जब तक खाने वापस आए खाना खत्म हो चुका होता है, खाना ठंडा हो चुका होता है, बाहर ड्यूटी आवर्स लॉन्ग हो गई तो बाहर में ही समय से खाना नहीं मिला है, खाना मिला स्पाइसी खाना मिल रहा है, ऑयली खाना मिल रहा है। आप देखेंगे आज के डेट में पुलिस विभाग के सबसे ज़्यादा लोग जैसे अनहेल्दी हैं, उनका हेल्थ ठीक नहीं है। आप देखेंगे बहुत लोगों के तोंद निकल गए, ओबीस हो गए हैं, क्यों हो गए हैं, समय से खाना नहीं खाते हैं, क्वालिटी खाना नहीं खा पाते हैं, अपनी वर्जिश नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ये हमारी तीसरी समस्या है। यदि हम इन तीनों समस्याओं का समाधान जितना अधिक कर लें उतना ही पुलिस विभाग बेहतर काम करने लगेगा, हम लोग उसके तरफ प्रयास करते हैं। जी प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बात करी जाए तो पूरी लखनऊ की जिम्मेदारी आप पे है, छुट्टी त्योहारों पे तो बिल्कुल नहीं मिलती है, ऐसे में घर और काम दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं देखिए मैं कांस्टेबल के हिसाब से मैं काफ़ी बेहतर पोजिशन हूँ, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरा परिवार तो मेरे साथ है, तो मैं जो भी समय दे, लेकिन समय की पाबंदी तो रहती है। पाबंदी मैं उसकी कोशिश यही करता हूँ, जब मैं ऑफ पोस्टिंग पर रहता हूँ, फील्ड पोस्टिंग में नहीं रहता तब तो उनको ज़्यादा समय दे देता हूँ, मैं ये बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। जी आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा है लेकिन क्राइम हो रहा है, कभी कभी कहा जाता है कि लोग अपनी परिस्थितियों से हार के चोरी डकैती, जैसे अभी आपने भी बताया कि ऐसी घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, संगीन मामले कम हैं, तो ऐसे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो कहना चाहूँगा कि लखनऊ की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको मेंटेन रखें, आगे आने वाले समय हमारा काफ़ी संवेदनशील है, अभी मुहर्रम 10 दिन तक चलेगा, मुहर्रम के बाद हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चलेंगी, उसके बाद तत्काल कृष्णाष्टमी आ जाएगा, तो 19 अगस्त तक का समय हमारा काफ़ी संवेदनशील है, तो 19 अगस्त तक पुलिस प्रशासन का साथ दें, कहीं कोई समस्या खड़ी ना करें, कहीं आपके आसपास कोई समस्या आ रही हो तो हमारे संज्ञान लाएं, हम तत्काल समाधान करेंगे, नंबर एक। नंबर दो मैं ये कहूँगा कि आप अपराध में संलिप्त ना हो, आपके आसपास कोई अपराध घटित हो रहा हो, कोई संभावना हो, हमें खबर करें, हमें मिलकर हमें बताएं, हमारे सोसीओजी नंबर के माध्यम से बताएं, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से बताएं, हम हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता को अपने बारे में तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी जुड़े थे, जिन्होंने अपने जीवन के अहम किस्से बताए, साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरह से वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और जनता कैसे उनका साथ दे सकती है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे का होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक,